तो फ्रेंड्स, ट्रिप जाने के बाद गाड़ी की हालत देखो कैसी हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक। तो गाइज, हम लोग पुष्कर से आ गए हैं। कल रात को पुष्कर से आए थे और हमारी नई गाड़ी का जो पहला ट्रिप है वो कंप्लीट हो चुका है। आपने देखा होगा गाड़ी की क्या हालत हो रखी है। तो गाइज, हमने इस पूरे ट्रिप में इस गाड़ी को 846 किलोमीटर चलाया है और एवरेज निकल के आई है वो है 16.8 का। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो गाड़ी की माइलेज भी काफ़ी अच्छी है। रही बात एक्सपीरियंस की, तो नो डाउट गाड़ी बहुत अच्छी है। मेरे को इस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई, सब कुछ परफेक्ट था। फ्रेंड्स, आज मैं अपनी टाटा नेक्सॉन कार को फर्स्ट सर्विसिंग के लिए ले जा रहा हूँ। जी हाँ, पहली ट्रिप आपने मेरे पहले वीडियो में देखा होगा कि मैंने पहली ट्रिप इस गाड़ी से कर ली है और टोटल गाड़ी जो मेरी है वो 1196 किलोमीटर चल गई है। टोटल हमारी गाड़ी 1200 किलोमीटर चल गई है और जो फर्स्ट सर्विसिंग का रिकमेंडेशन होता है वो 1500 किलोमीटर या एक महीने का होता है। तो इस ट्रिप पे जाने से पहले मैंने सर्विस सेंटर वालों से बात की थी, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप अपनी नई कार को 2000 किलोमीटर से ज़्यादा ना चलाओ और उससे पहले फर्स्ट सर्विसिंग ज़रूर कराओ। मेरे को सेकेंड ट्रिप पर निकलना है कल ही और उस ट्रिप से पहले मैं सर्विसिंग करा रहा हूँ। आज मैं फर्स्ट सर्विसिंग के लिए ऑटो विकास सर्विस सेंटर जा रहा हूँ मोती नगर। मैंने डेफिनेटली अपॉइंटमेंट पहले से ले रखी है आज की। तो आज अपनी फर्स्ट सर्विसिंग में गाड़ी में कुछ PDI में जो प्रॉब्लम्स आई थी, कुछ चीज़ें थी वो ठीक करवानी है। अगर वो ठीक हो पाएगा आज तो वेल एंड गुड, नहीं तो नेक्स्ट टाइम करवाऊँगा। तो जो भी फर्स्ट सर्विसिंग का एक्सपीरियंस होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले निकलते हैं यहाँ से मोती नगर के लिए, तो लेट्स गो। तो गाइस, तो मैं ऑटो विकास का सर्विस सेंटर पहुंच चुका हूं और ये है ऑटो विकास मोती नगर का सर्विस सेंटर। बिना बुकिंग के यहां पे सर्विस के लिए ना आए। मेरी कार सेकेंड टाइम धुल रही है, फर्स्ट टाइम क्लीन नहीं हुआ था, देन दोबारा धुलने के लिए गई है। फाइनली दोबारा साफ होकर के गाड़ी आने के बाद चमक रही है। सारे दाग जो लगे थे ना वो सारे हट गए हैं। पहली धुलाई में तो बिल्कुल ही नहीं हटे थे। गाड़ी हो रही है साफ। तो सफाई होने के बाद गाड़ी कुछ ऐसी चमक रही है। फिर भी काफी साइन मारी है यार, कल तो आने के बाद बहुत गंदी हो गई थी गाड़ी। कोशिश कर रहे हैं जो गेट का पेंडिंग काम था वो ठीक हो जाए, देखते हैं किस हद तक ठीक होता है। तो गैप बिल्कुल ठीक हो गया, अब कोई गैप नहीं है। फिनिशिंग हो गई, सब कुछ बहुत अच्छा रहा, लेकिन लास्ट मोमेंट पे यहाँ पे स्क्रैचेस पड़ गए हैं गाड़ी में। यू कैन सी, कोई सूखी चीज़ से यहाँ पे घिसने के बाद ना छोटे छोटे पतले पतले स्क्रैच पड़ गए बहुत ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी गंदी लग रही है अब यहाँ से। पूरा चॉप हो रखा है यहाँ पे, काफ़ी लोड है इस सर्विस सेंटर पे, गाड़ी तक निकलने की जगह नहीं है। तो गाइज, अभी निकल चुका हूँ सर्विस सेंटर से, सब कुछ परफेक्ट था, मैं बहुत सेटिस्फाइड था। बाकी के एक्सपीरियंस मैं घर पहुँच करके शेयर करता हूँ। हे गाइज, वेलकम बैक। तो मेरे गाड़ी की पहली सर्विसिंग आज हो गई। सबसे पहली बात कि एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, टाटा
का जो सर्विसिंग है वो काफ़ी अच्छा है। जो भी माइंड में दुविधा थी, मन में एक दुविधा थी कि यार कैसा होगा सर्विसिंग, हैसल फ्री होगा नहीं होगा, तो ये सारे चीज़ों से बहुत अच्छा रहा। टोटल एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत अच्छा रहा, सिर्फ एक चीज़ को छोड़ करके, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो सबसे पहले बता दूँ कि फर्स्ट सर्विसिंग में क्या क्या कवर हुआ टाटा नेक्सॉन पेट्रोल इंजन में। सबसे पहले गाड़ी की सफाई की, उसके बाद में इंजन ऑयल, लुब्रिकेंट, बैटरी, ये सारी चीज़ों को चेक किया। जहाँ जहाँ कुछ कमियाँ थी उसको वो पूरा कर दिए। उसके बाद में जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें होती है, लाइट्स, इंडिकेटर, ये सारी चीज़ों को चेक किया। उसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स मैंने गाड़ी में बताई थी उनको करेक्ट किया, और लास्ट में उन्होंने गाड़ी को क्लीन किया, पॉलिश किया। मेरी गाड़ी कल 800 किलोमीटर चल के आई थी, बहुत गंदी हो चुकी थी गाड़ी। फर्स्ट क्लीनिंग में बिल्कुल साफ़ नहीं हुआ था गाड़ी, बिल्कुल गंदा ही लग रहा था। उसके बाद फिर से उन्होंने साफ़ करवाया, उसके बाद फिर से तिवारा गाड़ी साफ़ हुई है मेरी, तब जा कर के क्लीन हुआ है। सारा एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत अच्छा रहा। मेरी जो रिपोर्टेड इशू है उसके बारे में बता दूँ सबसे पहले, तो गाड़ी लेने से पहले मैंने गाड़ी की इंस्पेक्शन की थी, PDI की थी। उसमें एक मेजर प्रॉब्लम थी जो मैंने उन लोग को बताया था, शोरूम वाले को, खास करके जो मेरे एडवाइज़र थे मिस्टर नरेंद्र शर्मा, सेक्टर 22 में ऑटो विकास के शोरूम में, उनको मैंने बताई थी कि ये आप ठीक करवा दो, अदरवाइज़ मैं गाड़ी नहीं लूँगा। तो उन्होंने श्योर किया था कि गाड़ी आपकी ठीक कर दी जाएगी फर्स्ट सर्विसिंग में, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। मैंने फिर भी पेपर में लिखवा लिया था कि फर्स्ट सर्विसिंग में ये ठीक करा दी जाएगी। तो वो वाली प्रॉब्लम बताई थी, बेसिकली आप इस वीडियो को देखो तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम थी। जो अभी जो मेरे को जो फॉल्ट मिला है, एक ये इसका है, ये बराबर नहीं है यहाँ पे, तो ये बोल रहे हैं कि ये ठीक करा के देंगे। आई डोंट नो कैसे ठीक होगा, बट ये वाला पार्ट को ठीक करना है। बाकी मेरे को इस गाड़ी में कोई फॉल्ट नहीं मिला है, सब ठीक है। तो गाइज़ आपने देख लिया होगा कि गाड़ी में PDI इंस्पेक्शन के दौरान क्या प्रॉब्लम मैंने बताई थी। तो आज सेम चीज़ मैंने बताई थी और उन्होंने मैकेनिक बुलवा करके उसको ठीक करवाया। मैकेनिक से मैंने बात की थी, उन्होंने बोला ये ठीक हो जाएगी तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो मैं ठीक नहीं कर पाऊँगा, लेकिन उन्होंने ठीक कर दिया उसको। तो मैं बहुत खुश हूँ कि एटलीस्ट जो एक फॉल्ट थी मेरे गाड़ी में वो ठीक कर दी गई। अब आते हैं मुद्दे पे, अब उस बात के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि मेरे को एक बैड एक्सपीरियंस देकर गया आज, और मैं चाहूँगा कि आप इससे भी कुछ सीखो और आप से ये गलती ना हो। तो गाइस जब मेरी गाड़ी बिल्कुल रेडी हो गई थी, मैं गाड़ी लेकर निकलने वाला था, तो मैंने देखा विंडशील्ड पे स्क्रैचेस पड़े हुए हैं, ऐसे स्क्रैचेस राउंड राउंड शेप में, जब आप कपड़े से स्क्रैच करते हो ड्राई ग्लास को, ऐसे स्क्रैचेस पतले पतले पड़ जाते हैं। तो मैंने सुपरवाइज़र को बोला कि ये स्क्रैचेस यहाँ पड़े हैं, क्योंकि मैं 100% श्योर हूँ कि मेरे गाड़ी में, मेरे कार के ग्लासेस में कोई स्क्रैच नहीं है, कोई स्क्रैच नहीं था। बट शोरूम वाले मानते नहीं हैं, और इस बात का मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था। तो काफ़ी देर बातचीत होने के बाद कोई सॉल्यूशन उसका था नहीं, तो फिर मेरे को आना पड़ा, और मैंने उनको गलतियाँ उनकी बता दी उनके शोरूम्स की, कि देखो आप। तो गाइज़ मैंने उनके सर्विस सेंटर की गलतियाँ उनको बता दी कि देखो आपके यहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर है, अनप्रोफेशनल बंदे हैं जो क्लीनिंग करते हैं, और जो भी आपका क्लीनिंग का काम हो रहा है, पॉलिश का काम हो रहा है, वो बिल्कुल खुले में हो रहा है, आंधी चल रही है, हवा के थ्रू जो डस्ट आ रहे हैं वो ग्लास से पड़ रहे हैं, और वो माइक्रोफाइबर यूज़ करें या कुछ भी करें, अगर पहले से ग्लास पे अगर कुछ डस्ट पार्टिकल होंगे, मतलब जो मोटे कण होते हैं, अगर उसको आप क्लीन करोगे तो स्क्रैचेस तो पड़ेगा ही। और वही हुआ है, क्योंकि हवा चल रही थी तेज़, कभी कभी बीच बीच में आंधी आ रही थी, उससे तेज़ हवाएं चल रही थी, और या तो उन्होंने ड्राई पेपर यूज़ किया है उसकी वजह से स्क्रैचेस पड़े हैं। इससे मेरे को बहुत गुस्सा आया, लेकिन क्या कर सकता हूँ, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि खास करके आप टाटा के सर्विस सेंटर या फिर ऑटो विकास मोतीनगर जाते हो तो इन ग्लास पे आप स्क्रैचेस वगैरह जरूर देख लो, क्योंकि वो जो पिक्चर्स लेते हैं उसमें इसकी कोई विजिबिलिटी, कोई क्लैरिटी नहीं रहती है। जनरल डेंट पेंट होगा उनके पिक्चर्स में वो चीज़ें आ जाएगी, लेकिन विंडशील्ड पे कोई स्क्रैच है कि नहीं है ये आप उनको सिर्फ दिखा ही सकते हो। तो आप इसको ज़रूर नोटिस रखना, आप इसको ज़रूर याद रखना जब भी आप सर्विसिंग के लिए गाड़ी जाते हो, तो क्योंकि एक बार स्क्रैचेस पड़ गई तो आई डोंट थिंक कि विंडशील्ड के स्क्रैचेस ठीक हो सकते हैं। मैं देखूंगा कि इसका क्या सोल्यूशन है, अगर कोई सोल्यूशन होगा तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। आई होप गाइस मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक कर देना, अगर यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। इसी तरह के नेक्सॉन से रिलेटेड रियल लाइफ एक्सपीरियंस के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।